अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जुबैरुद्दीन सैयद। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको काइंड मास्टर का इंट्रोडक्शन दिया था लिटिल बिट। उसे इंट्रोडक्शन तो नहीं कहेंगे, बट धीरे धीरे जो है हम काइंड मास्टर के बारे में आगे समझते जाएंगे। जैसे ही सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, इंशाल्लाह बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की एडिटिंग और इसके बहुत सारे फीचर्स जो होंगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आप मेरी इस सीरीज को प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं, और आपको अगर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके देखना हो तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैंने काइंड मास्टर पे इससे पहले भी बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं एडवांस, अब वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से जो है ना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और साथ में उसमें मीडिया फाइल, इमेज फाइल, ऑडियो फाइल किस तरह से इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो टोटली लेयर्स के ऊपर डिपेंड है, हाउ टू इंसर्ट इमेज वीडियो ऑडियो ऑन अवर प्रोजेक्ट। नाउ लेट्स बिगिन। ये देखिए, यहाँ पे हमने पहले देखा था कि हमको जब कभी भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना है हम कहाँ पे क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू। यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में शो किया है कि एस्पेक्ट रेशो क्या होता है। फिलहाल मैं यूट्यूब का जो रेशो है इस पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आपको जो है ना मीडिया ब्राउजर का ऑप्शन मिलता है। अब डिपेंड करता है कि आपको प्रोजेक्ट में क्या लेना है, वीडियो लेना है या इमेज लेना है। और मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि आप जब कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप अपने मोबाइल फोन में ना फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करके रख लीजिए, ताकि उससे आपके प्रोजेक्ट को हेल्प हो। यानी कि आपको ढूंढना ना पड़े कि इमेज यहाँ है, वीडियो यहाँ है, ऑडियो यहाँ है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर बेसिक सा एक इमेज लेता हूँ पहले, ताकि आपको पता चले कि हम इमेज लेके कैसे वर्कआउट करते हैं। मैं यहाँ पर इमेज पे क्लिक करता हूँ। सिंपली यहाँ पर इमेज पे जाते हैं और यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कोई भी एक कलर ले लेता हूँ, इस कलर को चूज करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। ये देखिए, ये हमारा ट्रैक बन गया इस तरह से। कलर्स जो है ये थोड़ा सा बहुत ही वो हो रहा है, आंखों पे लग रहा है, इसलिए मैं इस कलर को थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, यानी कि थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब ये कलर जो मैंने लिया है, इसका ड्यूरेशन जो है ना 17 सेकेंड, और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको मास्टर ट्रैक कहते हैं। यानी कि आपका ये मास्टर ट्रैक है और ये जो है आपका प्ले हेड है, जो नजर आ रहा है आपको, इसको प्ले हेड कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे क्लोज का बटन मिला है, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, पहले ना हम बेसिक सी चीजें समझते हैं, लेयर्स किसको कहते हैं। ये आपको जो है ना ऑलवेज एक मास्टर लेयर लेना जरूरी है। जब तक आप मास्टर लेयर नहीं लोगे ना, आपका जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन जब कभी भी आप प्रोजेक्ट शुरू करोगे, आपको एक मास्टर लेयर लेना कंपलसरी है। उसके बाद ही आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लेयर्स को। लेयर्स में जो है ना आपको मीडिया, इफेक्ट्स, ट्रिगर्स, टैग्स, हैंडराइटिंग, ये ऑप्शन मिलेंगे। तो मुझे जो है ना फिलहाल आपको आज मीडिया के बारे में ही बताना है कि हम एक के बाद एक लेयर कैसे लेते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। इफेक्ट्स भी देखेंगे हम, स्टिकर्स भी देखेंगे और टैग्स भी देखेंगे। मीडिया पे, यानी कि हमने यहाँ पे भी एक मीडिया का ऑप्शन मिल रहा है आपको, ये मास्टर लेयर के लिए है। और ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है मीडिया का, ये उसके नीचे, यानी कि ये लेयर्स के नीचे आपको सब लेयर बनाना है। मास्टर लेयर के नीचे आपको सब लेयर बनाना है। तो मीडिया के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे फिर से मुझे जो है ना मीडिया ब्राउजर मिलेगा। जी हाँ, मीडिया ब्राउजर। ये मीडिया ब्राउजर में आप डिपेंड करता है कि आपको वीडियो लेना है या क्या लेना है। मैं ना अब एक वीडियो लेता हूँ। जी हाँ, वीडियो पे क्लिक करते हैं और मैंने यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में ना फॉर एग्जाम्पल कुछ वीडियो रखे हुए हैं, तो उसमें से कोई एक वीडियो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये वीडियो ले लिया यहाँ पर, ठीक है चलो इस वीडियो को लेते हैं हम। यहाँ पे एक वीडियो ले, देखिए ये वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो यहाँ तक है इस तरह से। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और इसको प्ले करता हूँ। जैसे मैंने इसे प्ले किया तो ये देखिए पीछे कलर है, पीछे जो है वो कलर है, बस यहाँ पे जो है ना वीडियो है, सेकेंड में वीडियो है। ठीक है, अब इसको आपको अगर फुल स्क्रीन करना है, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा, ये दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक किया, ये फुल स्क्रीन, हाफ स्क्रीन, देन हाफ स्क्रीन। अब
लेफ्ट स्क्रीन एंड राइट स्क्रीन, जैसे आप सेट करोगे वैसे ये सेट हो जाएगा। देखिए मैं फुल स्क्रीन पे करता हूँ तो फुल स्क्रीन पे सेट होता है, ये ऑफ का ऑप्शन है ऑफ। आप इसको मैनुअली जो है ना छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से छोटा बड़ा करके आप अपने प्रोजेक्ट में जहां रखना है वहां पर इसको रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और ओके करता हूँ। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा ये वीडियो है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो है ना और एक वीडियो ले लेते हैं। चलो हम एक काम करते हैं और एक वीडियो लेते हैं, यहाँ से फिर मैं जाता हूँ और डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे डाउनलोड से एक वीडियो लेना है। मैं डाउनलोड में जाता हूँ यहाँ पर और कोई भी एक वीडियो यहाँ से इम्पोर्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो को मैंने इम्पोर्ट किया, इसको भी हम यहाँ से ये देखिए इस तरह से रख सकते हैं। जो वीडियो पे आपको वर्क करना है उस वीडियो पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को आप छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे समझाना क्या है आपको, मैं लेयर्स के बारे में आपको समझाना है। ठीक है, देखिए ये वीडियो जो है इसको मैं अगर इंक्रीज करता हूँ, ये वीडियो के ये वीडियो हमारा पहला था, उसके ऊपर वीडियो हमारा कौन सा है, ये आया, तो इसको लेयर्स कहते हैं। ये देखिए है ना, पहले हमारा जो लेयर है वो बैकग्राउंड में है, उसके बाद जो लेयर है हमारे डांसिंग, उसके बाद जो है ये गर्ल का लेयर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना लेयर्स एक के ऊपर एक बनते हैं। जो भी लेयर पे आपको काम करना है उस लेयर के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट लेना है तो टेक्स्ट का भी एक लेयर बनेगा। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये टेक्स्ट लिखा हमने, उसके बाद ओके किया। अब टेक्स्ट को भी आपको मूव करना है तो अब इस तरह से मूव कर सकते हैं, जहां कहीं भी आपको रखना है टेक्स्ट आप वहां पे रखोगे। देखिए लेयर जो है ना एक के बाद एक लेयर बनते हैं और आपको टेक्स्ट और इमेज का जो ड्यूरेशन है ना वो बढ़ाने का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट और इमेज का। अदरवाइज जो वीडियो आप इंसर्ट करते हैं उस वीडियो का जितना लेंथ होगा ना उसके हिसाब से ही वो आपके लेयर पे आ जाएगा। दोस्तों लेयर्स पे काम किस तरह करते हैं, यानी कि लेयर्स किस तरह से इंसर्ट करते हैं ये वीडियो में हमने देखा। साथ में ऑडियो भी अगर आपको इंसर्ट करना है तो ये देखिए ऑडियो पे क्लिक करोगे ना तो आपके डिफॉल्ट ऑडियो जो होगे ना, डिफॉल्ट ये म्यूजिक्स वगैरह है यहाँ पे, अगर आपके पास फोल्डर है कोई तो फोल्डर में जाकर भी जो है ना ऑडियो को ले सकते हैं। ठीक है, जो भी ऑडियो आपको लेना है ऑडियो पे आप क्लिक करोगे और इंसर्ट करोगे। और प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर आपका प्ले हेड होगा ना ऑडियो वहाँ पे ही इंसर्ट होगा। अब मुझे जो है यहाँ से ऑडियो को मूव करना है, ये ऑडियो को पकड़ के ये देखें इस तरह से पकड़ना है और यहाँ लेकर आना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, उसको ठीक से पकड़ना होगा इस तरह से और उसको मूव करना होगा। ये तो आप डिलीट कर दीजिए, डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे, किसी भी लेयर्स को अगर आपको डिलीट करना हो तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, आप सिंपली इसको डिलीट कीजिए। ये प्ले हेड जहाँ पर होगा ना आपका ऑडियो वहीं पर इंसर्ट होगा, इसलिए आप प्ले हेड को आप डिसाइड कीजिए आपको कहाँ से प्ले हेड रखना है। साथ में अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो देखिए रिकॉर्डिंग का बटन ऑप्शन को डिसेबल कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम जो है ना यहाँ पर जो है लेयर इंसर्ट करते हैं। चलिए अब आगे के वीडियो में इंशाल्लाह हम मास्टर लेयर्स के ऊपर किस तरह से काम करते हैं वो भी देखेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आगे कुछ ना कुछ सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।